विनोद किया। लेकिन लक्ष्मण जी ने किधर देखा, यह वैराग्यवान का, प्रभु बिलोकी बोले मृदुवाणी वाणी बोले मृदु वाणी प्रभु बिलोकी कर दासा पराधीन नहीं तोर सोपा प्रभु बोले लक्ष्मण जी के पास जैसी सूर्पणखा पहुंची तो लक्ष्मण जी उसकी तरफ देखते नहीं, राम जी की तरफ देखते हैं। किसी वैराग्यवान के जीवन में वासना का प्रवेश हो तो उसे भगवत दृष्टि रखना चाहिए, भगवान की ओर देखना चाहिए। देखा ही नहीं। अब लक्ष्मण जी का व्यंग देखो, राम जी ने विनोद किया तो लक्ष्मण जी ने सोचा, मां ने कहा था उपदेश यही जय तात तुम ते राम सी सुख पावही, तो राम जी विनोद कर रहे तो थोड़ा विनोद हम भी कर लें, तो लक्ष्मण जी क्या बोले, सुंदरी सुनो मैं उनकर दास, हे सुंदरी सुनो मैं उनका दास हूं। सूर्पणखा बड़ी खुश हुई कि जो राजकुमार तरुण तपस्वी हमें बिना देखे सुंदरी कह रहा है, देखेगा तो बलिहार हो जाएगा। तो सूर्पणखा बोली, राजकुमार मेरी ओर देखो तो, मेरी ओर देखो, बिना ही देखे सुंदरी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि हम जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो, जब हम देखेंगे तो सुंदरी रह जाओगे, और वासना तभी तक सुंदर प्रतीत होती है जब तक वैराग्य की दृष्टि से उसे नहीं देखा जाता। अब लक्ष्मण जी ने व्यंग क्या किया, विनोद क्या किया, कहने लगे मैं तो पराधीन हूं पर प्रभु समर्थ, वहीं जाओ वे समर्थ है, विवाह कर भी ले तो उन्हें कोई दोष नहीं, क्यों का समर्थ का उन्हें दोष गुसाई। और फिर एक व्यंग क्या किया, वो कहते हमारा विवाह हो चुका है, तो लक्ष्मण जी बोले कौशलपति राजा अयोध्या के राजा हैं, स्वयं इनके पिताजी ने तीन विवाह किए, ये एक और कर लेंगे तो क्या है, पर वो कहते कि शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि तुम्हें हमारे पास भेज दे ये शोभा देता है, अरे जो कछु कर रही उन्हें सब छा जा, उन्हें सब शोभा देता है। पर इस विनोद में भी लक्ष्मण जी की परीक्षा हो गई। अब सूर्पणखा गई आई, फिर इधर आ गई, फिर उधर आई, फिर क्रोध रूप भयंकर प्रकटत भई। ये क्रोध कब आता, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। कामना में विघ्न पड़े तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध ये सिद्ध कर रहा है कि कोई वासना थी उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध। सूर्पणखा को क्रोध आया, भयंकर क्रोध आया, राम जी का इशारा हुआ, लक्ष्मण अति लाघवते नाक कान विनुकीन, नाक कान कटे, सूर्पणखा का विरूपीकरण हुआ, अजा नाक कट गई,
मुहावरा बन गया। अच्छा नाक कट जाए तो छिपाना मुश्किल, कान कटे तो टोपी पहन ले, आंख ना हो तो चश्मा, नाक ही साफ हो तो करे क्या। और कितना सुंदर संकेत है, सत्संगियों की परीक्षा हो गई। कैसे? का इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, पर ये ऐसे सत्संगी हैं कि इन्होंने वासना की नाक काट दी। सच्चे सत्संगियों के यहां वासना की नाक कट जाती है। अच्छा कान क्यों कटे? कान से बात सुनी जाती है, तो जो अपने गुरुजनों के महापुरुषों की बातें सुनते नहीं हैं, उनकी नाक कटे बिना रहती नहीं है। श्रवण का सदुपयोग करें तो नाक कटने से बच जाएगी। अच्छा एक बात और भी है, जब से सूपनखा के नाक कान कटे तब से बंदरों ने यह निश्चय ही कर लिया, जो राक्षस मिले उसके नाक कान काटो। दसनन काट नासिका काना, कह प्रो सुजस देही तब जाना। रावण ने दूत भेजे थे तो श्रवण नासिका काटे लागे, तो बंदरों से कहा कि तुम राक्षसों के नाक कान ही क्यों काटते हो? कहा इसलिए ताकि ये नाक कान कटवा कर जाएंगे तो घर वालों को पूछना नहीं पड़ेगा कि कहां गए थे। इसलिए वे अपने आप समझ जाएंगे कि वहीं गए होंगे जहां सूपनखा गई थी। और नाक कान इसलिए, इस नाक को कहते हैं, नासिका को तो नाक कहते हैं, और नाक नाम स्वर्ग का भी है। नाक पिना कहीं संग सिधाई, नाक मही पाताल नाक जस व्यापा, नाक माने स्वर्ग और नाक माने नासिका। और कानों को कहते हैं श्रुति, और वेदों को भी कहते हैं श्रुति। कई राक्षस दो के विरोधी हैं, श्रुति के और स्वर्ग के। रावण ने स्वर्ग को नष्ट कर दिया और रावण वेद सम्मत मार्ग को नष्ट कर रहा है। ते बहुविध त्रासे देश निकासे, जो कहे वेद पुराना। तो मानो राम जी ने कहा कि जब तुम ब्रह्मांड में श्रुति और नाक को नहीं रहने देना चाहते तो पिंड में ही काहे को रखते हो, इसमें से हटा दो, फिर न कान रहे न नाक रहे। आप तो सूपनखा के नाक कान कटे। अच्छा जब कोई एक परीक्षा पास कर ले तो अगले क्लास में ऊंची पढ़ाई के लिए एडमिशन होने की सुविधा मिल जाती है। तो जब वासना पर विजय प्राप्त कर ली तो अब चुनौती दी किसको? लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिनुकीन, और ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दी। तो वासना पर कोई विजय प्राप्त कर ले तो वह विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर सकता है। अच्छा एक दृष्टि से देखो तो सूपनखा सही कह रहे, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। सूपनखा कहती कि मेरे पति का अकारण ईर्ष्या बस वध करा देने वाले राक्षस राज रावण से मेरा भी विरोध है। मैंने हाथ की चूड़ियां नहीं तोड़ी, कहा था कि जिस दिन मैं तेरे कुल का नाश करवा दूंगी उस दिन चूड़ियां फोड़ूंगी। मैंने राक्षस जाति के विनाश की प्रतिज्ञा की है, और राम जी आपने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीन, आपने राक्षस जाति को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की है। तो जिसने राक्षसों को मिटाने की प्रतिज्ञा की हो ऐसा कोई पुरुष नहीं, और किसी ने राक्षसों को मिटवाने की प्रतिज्ञा की हो नष्ट कराने ऐसी कोई नारी नहीं। तो तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तो भगवान ने कहा सहयोग क्या करोगी? सूपनखा बोली पकड़ पकड़ के मैं लाती जाऊंगी, साफ आप करते चलना, हमारा आपका अभियान। और इसलिए सूपनखा रावण के पास नहीं गई। खर दूसन पह गई बिल पाता, खर दूसन देख देख तब पौरुष बल भ्राता,
देख देख तब पौरुष बल भ्राता कर दूषण कर दूषण। खर दूषण के पास गई, धिक्कार है तुम्हारे बल को और पौरुष को भाई, धिक्कार है। क्या हुआ? पूरी कहानी सुनाई। अभी आक्रमण करता हूं। 14,000 राक्षसों को लेकर खर दूषण आए। त्रिशिरा, खर दूषण, इतने राक्षस। राम जी ने कहा लक्ष्मण, श्री जानकी जी को गिरिकंदरा में ले जा। क्यों? राक्षस आक्रमण करने आ रहे हैं, आवा निश्चर कटक भयंकर। प्रभु तो आप अकेले रह जाओ युद्ध के समय, तो मैं भी आपके साथ रहूं, सेवक भी रहे। श्री सीता जी तो आपकी शक्ति है, शक्ति सेवक दोनों को अलग कर रहे हैं, फिर अकेले रह जाओगे। भगवान ने कहा इन राक्षसों को मारने के लिए शक्ति की नहीं युक्ति की जरूरत है, तुम जाओ। अकेले ही रह जाएंगे हम तभी मरेंगे। ठीक है, अब तो भाई राम जी अकेले रह गए। खर दूषण आदि राक्षस आक्रमण करते हैं। खर दूषण ने कहा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, हमारी बात मान लो, अपनी भार्या को हमें सौंप दो और वापिस लौट जाओ। राम जी ने कहा हम क्षत्रिय मृगया बनकर रही, तुमसे खल मृग भोजन फिर रही। युद्ध तो शुरू हुआ, राम जी ने धनुष बाण भी नहीं उठाया, लड़े ही नहीं, किसी साधन की जरूरत ही नहीं। या क्या, माया नाथ अस कौतुक करो देख ही परस्पर राम, सब में प्रकट हो। अब राक्षस एक दूसरे में राम देख, ये रहे मारो, वो ये रहे मारो, ये रहे करी संग्राम, रिपुर्दर लड़ी मरे हो, आपस में ही लड़के मर गए। और कितने किसी साधन की जरूरत तो नहीं पड़ी। और कितना बढ़िया संकेत दिया राम जी ने कि सारे विकार अपने आप मिट जाएंगे, सारे विकार अपने आप मिट जाएंगे, शर्त केवल एक है। क्या? अगर हम परस्पर एक दूसरे में राम देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी, किसी साधन की आवश्यकता नहीं। देखें परस्पर राम, क्योंकि वेदांत सिद्धांत भी है द्वितीया द्वयम भयम भवती, सब समस्याएं द्वैत की हैं। वकील साहब का बेटा कहता पिताजी हमें अकेले में डर लगता है, आप कोर्ट चले जाते हैं। वकील तो स्वभाव से ही तार्किक का, अकेले में डर लग ही नहीं सकता। वो कहे हमें अकेले में ही डर लगता है। तो वकील ने कहा अकेले में किसका डर लगता है? बेटा बोला भूत का। तो वकील बोला फिर तुम अकेले कहां रहे, एक तुम और दूसरे तुमने मन से बना लिया भूत, दो हो गए डर शुरू। सारे द्वंद क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबका आधार द्वैत है। और जहां द्वैत वहां द्वंद, जहां अद्वैत वहीं आनंद। केवल भगवान ज्ञान, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। यह केवल ज्ञानियों की दृष्टि से अपना स्वरूप ही हो बस, और कुछ है ही नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, यहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, एक रह जाए। अच्छा, ज्ञानियों के यहां केवल मैं रह जाता है और भक्त के यहां केवल तू रह जाता है। भक्त कहता है तू ही तू है, मैं हूं ही नहीं, मेरे होने का भ्रम है, तू है। ज्ञानी कहता मैं ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी भास रहा है वह भ्रम है। तो जो ज्ञान में रह की परमता को प्राप्त करे उसके जीवन में मैं का अनुभव, और जो भक्ति की परमता पाए उसके जीवन में तू, और जिनमें होती रहे मैं तू तू, वे न ज्ञानी न भक्त। और इसलिए एक रह जाए। दो नयनों का यही संदेश कि यह भी देख और वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा, रह जाए एक।
सारे राक्षस मर गए। अजय तो खरदूषण आदि राक्षसों के मरने से सूर्पनखा दुखी हुई, बोले ना धुआं देखी खरदूषण आदि राक्षसों का धुआं देख लिया, तब रावण के पास गई कि अब तुम्हारी बारी है, चलो। रावण से क्या बोली, तोर जियत दस कंधर मोर की अस गति हो ये। सुप्रभा बोली, रावण तेरे जीते हुए मेरी यह दशा, तू मेरा भाई है, मेरे नाक कान कट गए, शत्रु सिर पर चढ़कर आया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई,